Assalamu alaikum all, this is Hafiz Irfan. Today I'm going to teach you about how to make a air balloon in MS Paint. आज हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे एयर बलून किस तरीके से बनाएंगे पेंट में, एमएस पेंट सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले करना है आपको क्या है, ये आपको स्ट्रेट ये लाइन नज़र आ रही होगी, यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये लिखा हुआ लाइन, यहाँ से मैं लाइन क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ मैं ड्रॉ करूँगा उसको। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे ओवल या सर्किल आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। अब इसके बाद मुझे ये जो है ना, इसका जो राइट पार्ट, ये मुझे डिलीट करना है। मैं यहाँ जाऊँगा सिलेक्शन के ऊपर, मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा कि मैं शॉर्टकट जल्दी में बना रहा हूँ, आप इससे अच्छे भी बना सकते हैं, वो टाइम हो तो इजीली आप बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा यहाँ से, ओके। उसके बाद इसका जो हाफ पार्ट है लेफ्ट साइड का, इसको भी क्या कर दूँगा, मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ से मैंने किया डिलीट, मेरे लैपटॉप में जो लाइन्स वगैरह हैं ना, थोड़ी सी कट कट के शो आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन आप जब अपने अपने कंप्यूटर में करेंगे तो इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। मेरे लैपटॉप में मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है, पेंट इस तरीके से चलता है। तो यहाँ से मैं अभी ये सेकंड लाइन पे जाऊँगा, कर्व नज़र आ रहा है आपको, कर्व इस पर जब मैंने क्लिक किया, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से बिल्कुल कनेक्ट करके बिल्कुल गैप छोड़ना नहीं है। कि आपने गैप छोड़ा तो इससे क्या होगा, तो आपके जैसे कलर करेंगे तो वो कलर पूरे इसमें विंडो में हो जाएगा, पूरे डेस्कटॉप में हो जाएगा, हो सकता है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन करके, यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ तक इसको लेके जाऊँगा, और इसको अपने हिसाब से आप कर्व कर लें इस तरीके से। ये इस तरीके से अब मैं यहाँ ऊपर दोबारा जाऊँगा, और यहाँ से दोबारा कर्व लिया या पहले से सिलेक्शन हो तो यहाँ से दोबारा, ओके ये गलत हो गया, एक मिनट, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से आपको नीचे तक स्ट्रेट लाइन लेके आनी है, यहाँ तक इसको कर्व कर देना है, उसके बाद सही, उसके बाद यहाँ से एक और यहाँ तक लेके आ जाएं आप, इसको कर्व कर देना है आप, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाएं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर्व कर लें। बात आ गई समझ में, अब यहाँ से एक और कर्व मुझे यहाँ से यहाँ तक मैंने की लाइन कर्व, एक और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लिया, और यहाँ से मैं रेजर लूँगा और यहाँ से इसको सही, यहाँ से इसको इरेज कर लूँगा, मेक श्योर के बीच में गैप ना हो, अगर गैप हुआ तो क्या होगा, कलर सब पे हो सकता है। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन वाले कर्व ले लेता हूँ, इस तरीके से। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रेजर लेके इसको मैं, और जो कुछ भी निकल रहा है इसको मैं क्या कर दूँगा, रेस कर दूँगा। अब इसमें एक चीज़ और भी आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं रेस करके इसको भी कर्व कर लूँ, लेकिन वो आप कीजिएगा, क्योंकि मैं भी शॉर्टकट सिर्फ तरीक़ाकार मैं आपको समझा रहा हूँ, अब बाद में ये काम भी इसके साथ कर सकते हैं। मैं एक तरीक़ाकार समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है और किस तरीके से बन सकता है। इसके बाद मैंने यहाँ से ये कर्व भी आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन हो, सिंपल लाइन, यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक और कर दी, और यहाँ से यहाँ तक एक और स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से रेज़र आप ले सकते हैं, ये रेज़र लिया मैंने, और इसके दरमियान जो है जो लाइन्स थोड़ी बहुत बाहर निकल रही उसको मैंने हटा दिया, सही। अब इसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन करें आप। सिलेक्शन करने के बाद आपको करना क्या है, याद रख सिलेक्शन की इसे कॉपी किया आपने और पेस्ट कर दें आप। इसके बाद पेस्ट करने के बाद यहाँ से रोटेट पे चले जाएं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास इसके ये डायग्राम आ जाएगी। इसका राइट पार्ट इस तरीके से हम करेंगे। मैंने यहाँ इसको यहाँ क्लिक कर दिया, बिल्कुल सही तरीके से आपको करना है ये। आई थिंक ये अब इसमें क्या करना है, रेस करना है मुझे इसके सेंटर का जो है ना, ये थोड़ा सा भी गैप छोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बात आ गई समझ में। अभी थोड़ी बहुत लाइन नज़र आ रही है लेकिन इसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ एक यहाँ पर, इस तरीके से एक मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, और एक यहाँ मैंने ड्रॉ कर दी। इसके बाद मैं यहाँ से अब यहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन आप लेने, एक मिनट, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लें, सही है। इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दें और एक और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दें, ये तकरीबन इसमें कलर कर दें। यहाँ से मैंने ये कलर लिया, यहाँ तक पूरा कर दिया, ओके। इसको भी कर दें पूरा कंप्लीट, बात आ गई समझ में। और इसके बाद मैं ये वाला येलो कलर ले लेता हूँ, ये आगे समझ। इसमें ग्रीन कलर मैंने लिया, उसके बाद कोई भी एक कलर, ये यहाँ से ये कलर ले सकते हैं, ले लें। लास्ट में अपने ये वाला, सॉरी, अब यहाँ से आप देखें ये ऐसे गैप शो हो रहा है। अब क्या करना है, इसको गैप को ख़त्म करना है। मैंने स्ट्रेट लाइन ली और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दी। अब मैं दोबारा इस पर ये कलर करूँगा तो इंशाल्लाह हो गया ये कलर। इस तरीके से आप ये बना सकते हैं, इसे और भी अच्छा बना सकते हैं। मैंने फिलहाल जल्दी में बनाया और लैपटॉप में इसमें लाइनिंग के भी इशूज़ आ रहे थे, इस वजह से। एक और ये या मैंने इसको कॉपी इस तरीके से रख लिया, और इंशाल्लाह अपने उस लैपटॉप वगैरह उसमें बनाएंगे तो और अच्छे भी बन सकता है ये। लेकिन मेरे लैपटॉप का मसला है, पेंट का मसला आ रहा है, इस वजह से लाइनिंग सही ड्रॉ नहीं हो रही। तो उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी तरीके से बनेगा, आप इससे और अच्छे जितना बना सकते हैं बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।